क्लास यूकेजी, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज बाय कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 13, दैट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। इधर देखो, एक आप लोग के लिए कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चार फ्लावर्स हैं। उसके साथ अगर मैं माइनस वन फ्लावर कर देती हूँ तो आंसर आएगा 1, 2 and 3, 3 फ्लावर्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बॉल्स है, तो हम लोग यहाँ पे 7 बॉल्स लिख लेंगे। फिर मेरे को माइनस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कितने बॉल्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 7 में से अगर 3 बॉल्स चले जाते हैं तो हम लोग के पास कितना बचता है, 1, 2, 3, 4 4 बॉल्स। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे हम लोग के पास 8 कैप्स है। कैप्स का मतलब होता है टोपी। देखो हम लोग के पास 8 कैप्स का पिक्चर दिया हुआ है, जिसमें हम लोग माइनस करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कैप को, माने 6 कैप को माइनस करना पड़ेगा। फिर कितना आता है हम लोग के पास, चलो देखते हैं, 1, 2 अगर मैं 8 कैप से 6 कैप को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 2 कैप्स बचते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं कितने फ्रॉग्स हैं हम लोग के पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फ्रॉग्स हैं यहाँ पे। इसके साथ अगर मैं माइनस की 1, 2, 3, 4, 5 5 फ्रॉग्स को, तो हम लोग के पास कितना फ्रॉग बचेगा, 1 फ्रॉग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सब्स्ट्रैक्शंस बाय क्रॉसिंग लाइंस। हम लोग तो वहां पे फोटोज देख के सब्स्ट्रैक्ट किए, मतलब माइनस किए, अब हम लोग यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर करके माइनस करेंगे। एक हम लोग के लिए कर दिया गया है, चलो देखते हैं कैसे किया गया है। 8 minus 6 पहले हम लोग को 8 लाइंस ड्रॉ करने हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे 8 लाइंस है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लाइंस तो है हम लोग के पास। अब देखते हैं 6 लाइन को काटा गया है कि नहीं। देखो 6 लाइन को काट दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इसको बाद दे दिया गया है, तो हम लोग का कितना लाइंस पूरा बचा, 1, 2 आंसर हो जाएगा 2। चलो दूसरा वाला करते हैं। मेरे को कितना लाइंस बोला है ड्रॉ करने, 5 लाइंस, तो पहले हम लोग 5 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 देखो मैंने 5 लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद मेरे को माइनस कितने से करना है, 5 को 3 से माइनस करना है, तो 3 लाइंस मैं क्या करूंगी, काट दूंगी, 1, 2, 3 3 लाइंस को मैंने काट दिया, तो मेरे कितने लाइंस बचे, 2 लाइंस, आंसर होंगे 2। नेक्स्ट वन, सब्स्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, दैट इज वर्टिकल सब्स्ट्रैक्शन। अब तो हम लोग आगे में सीखे ड्रॉ लाइंस कर करके सब्स्ट्रैक्ट करना, अब हम लोग यहाँ पे गिन करके सीखेंगे कैसे सब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। एक हम लोग के लिए कर दिया गया है और बाकी का हम लोग खुद से करने वाले हैं। चलो मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे दिया है 5 minus 4 पर यहाँ का आंसर, बुक का आंसर गलत है। वी हैव टू राइट डाउन 1 ओवर हियर। आप लोग के भी बुक में आप लोग इसे करेक्ट कर लो। नेक्स्ट 9 minus 8 हम लोग 9 तक जाएंगे, वहां से माइनस 8 कर देंगे, 8 को हटा देने वाले। सोच लो तुम लोग कि तुम्हारे पास 9 टॉफीज है, वहां से अगर तुमने 8 टॉफीज खा लिए तो तुम्हारे पास कितना टॉफीज बच रहा है, 1 टॉफी। सो यू हैव टू राइट डाउन 1। फिर यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कितने टॉफीज हैं, ये आप अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, टॉफी कर सकते हो, केक्स कर सकते हो, बिस्किट्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपके पास 8 चिप्स का पैकेट है, जहां से 6 चिप्स का पैकेट आपने पहले से ही खा लिया है, तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचने वाला है। सो यू हैव टू डू दिस पेज लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेज नंबर 38। सब्ट्रैक्शन विथ जीरो, जीरो के साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब जीरो के साथ माइनस करना पड़ता है। When we subtract zero from any number, it left the same number as remaining digit. ये बहुत मजेदार है। जब भी हम लोग कोई भी नंबर को जीरो के साथ माइनस करते हैं तो वही नंबर आ जाता है हम लोग का आंसर में। चलो देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आइसक्रीम्स है। कितने आइसक्रीम्स है चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आइसक्रीम्स आर देयर। इसको हम लोगों ने माइनस किया कितने से, जीरो से। तो हम लोग के पास कितना आइसक्रीम बचना वाला है, अभी हम लोगों ने क्या बोला, जीरो के साथ कुछ भी माइनस करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। चलो गिनते हैं कितना आइसक्रीम बचता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो 8 को अगर मैंने जीरो के साथ माइनस किया तो आंसर हमारा 8 ही आया। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे है 6 जग। इसको अगर मैं जीरो के साथ माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आंसर आएगा, जो पहले था वो उतना ही आंसर आने वाला है, दैट इज 6। नेक्स्ट वन, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम लोग के पास 5 फिश है जिसको मैंने जीरो के साथ माइनस कर दिया, तो आंसर में मेरा कितना आएगा, चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट वन, 1, 2, 3। एयरप्लेन 3 है यहाँ पे। इसको अगर मैं माइनस जीरो के साथ करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1, 2, 3। एंड द लास्ट वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मेरे पास 9 एप्पल्स है। इसको अगर मैं जीरो के साथ माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हम लोगों ने आज सीखा इमेजेस, मतलब फोटोज देख के कैसे माइनस किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा लाइंस ड्रॉ करके कैसे माइनस किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल माइनस फॉर्म सीखा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा माइनस विथ जीरो, मतलब जीरो के साथ डिजिट्स को कैसे माइनस किया जाता है। और नेक्स्ट के क्लास में और भी न्यू चैप्टर्स हम लोग आपको करवा देंगे। थैंक यू क्लास।